हेलो एंड वेलकम टू कारखाना फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक बार ये एक नई कार लेकर आए हैं आपके लिए और ये है मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च 2021 स्विफ्ट। और इस नई स्विफ्ट में आपको कौन कौन सी नई चीज़ें मिल जाती हैं पुरानी वाली स्विफ्ट के अकॉर्डिंग, हम ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि इस नए वेरिएंट में अब आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अब आपको मिलता है इसमें 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल VVT इंजन, जो कि पहले से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके आपको देता है, क्योंकि ये अब आपको देता है 90 PS की पावर, साथ ही आपको 113 Nm की टॉर्क भी देता है, जो कि पहले से थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर अब इसके लुक्स की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव आपको इसकी फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हनी कॉम ग्रिल के साथ आपको यहाँ पर एक जो कि सिल्वर लाइनिंग है यानी कि क्रोम लाइन भी आपको फ्रंट में दी जाती है, मिल जाती है। और साथ में तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन इसकी ग्रिल में कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए हैं जिसकी वजह से गाड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और अगर इसके हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है वो भी आपको बताया, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको DRL लाइट्स मिलते हैं। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हेलोजन फॉग लाइट्स। तो दोस्तों आप जैसे साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो उसके साइड मिरर्स हैं ORVM जो हैं ये आपको ब्लैक टोन में मिल जाएगी, जिसमें गाड़ी में जैसे डुअल टोन है तो उसी कलर में, यानी कि जैसे कि ये ब्लैक एंड रेड में है तो आपको ये ब्लैक में ही इसका ORVM है ये भी मिल जाएगा विद साइड इंडिकेटर्स, ये टर्न इंडिकेटर्स के साथ आपको मिल जाता है। और ये ऑटो फोल्डेबल है, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और अगर मैं व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि R15 और पूरा अगर डायमेंशन बताऊं तो 185/65 R15 15 इंच के डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी आपको मिल जाता है, प्लस स्मार्ट एंट्री भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो कुछ इस तरह के। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह की इसकी जो ओवरऑल लुक है अगर मैं दिखाऊँ तो आपको देखने के लिए मिलती है। अब अगर गाड़ी के अंदर की बात करें यानी कि इंटीरियर साइड की बात करें तो सबसे पहले आप इसका अट्रैक्टिव स्टीयरिंग व्हील देखेंगे और उसके बगल में आप देखेंगे इंफोटेनमेंट स्मार्ट सिस्टम, यानी कि ये भी हल्का सा चेंजेस इसमें आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको अब एंड्रॉयड स्मार्ट स्टूडियो मिल जाता है। और साथ ही अब जैसे अगर दिखा देता हूँ मैं, चलिए आपको एक बार दिखा दूँ कि किस तरह की लुक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। दूसरा सिस्टम आप देखेंगे यहाँ पर आपको कलर्ड जो TFT है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको कलर्ड स्क्रीन के साथ मिल जाती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अब इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो क्रूज़ कंट्रोल भी आपको अब स्विफ्ट में मिल जाएगा। साथ ही आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए भी यहाँ पर आपको फीचर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब सिर्फ हम इसके डिफरेंसेस की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि अब आपको इस ZXi प्लस में और कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का डैश आपको यहाँ पर मिल जाता है, और साथ में आपको ये, आप इसको डुअल टोन बोल सकते हो, तो कुछ इस तरह के फिनिश के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। TFT मैंने आपको दिखा दी कि जो यहाँ पर कलर TFT आ गई है, स्क्रीन आपको मैं दिखा चुका हूँ। इसके साथ ही अगर आप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है, और कुछ इस तरह की इसकी बहुत ही यूनिक सी इसकी जो लुक है अगर मैं बात कहूँ तो ये आपको मिलता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 12 वॉट का चार्जर पॉइंट प्लस आपको USB एंड ऑक्स का जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको मिल जाते हैं। नीचे कुछ स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी मिल जाती है, तो कुछ इस तरह का ये रहने वाला है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पर आपको इसका ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट जो है वो कुछ इस लुक में मिल जाएगा। रही बात स्टीयरिंग व्हील पर, कुछ और भी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डीकट स्टीयरिंग व्हील तो साथ में मिलता ही है, बीच में इसकी लुक बहुत अच्छी है सुजुकी के लोगों के साथ। साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंट्रोल मिल जाते हैं, म्यूज़िक आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही वॉइस कमांड के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, फ़ोन पिक एंड ड्रॉप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये भी फीचर्स आपको अब इसमें मिल जाती हैं। खैर ये पहले भी मिल रहा था लेकिन यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल आपको इस बारी दिया गया है। साथ में अगर मैं सीटिंग इसकी जो सीटिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो फैब्रिक में सीट्स हैं ये आपको देखने के लिए
मिल जाती हैं, और ब्लैक कलर की जो थीम है पूरी उसके साथ ये जाती है। प्लस आपको यहाँ पर जो बेज में आपको भी ये गाड़ी अंदर से भी आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डुअल टोन में आपको ये मिल जाएगा। साथ में अगर डोर्स की बात करूँ तो डोर्स में आपको यहाँ पर जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको क्रोम इंसर्ट्स के साथ मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक का काम भी हुआ है और बाकी प्लास्टिक का काम है, तो कुछ इस तरह का है। बाकी स्टोरेज के लिए 1 लीटर की बॉटल और कुछ सामान भी आप हल्का फुल्का इसमें रख सकते हैं। डैश में एक जो चीज़ रह गई थी वो है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट हाँ काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ आपका कुछ फाइल वाइल तो आ ही सकती है, ज़रूरत के जो पेपर्स होते हैं वो आप रख सकते हैं। और अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो मिरर की जो एडजस्टमेंट कंट्रोल्स हैं ये आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। विंडोज़ के लिए अभी आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डोर्स लॉक अनलॉक के लिए भी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब नीचे की अगर मैं बात करूं तो AGS है, क्योंकि गाड़ी भाई ऑटोमेटिक है, तो आपको दिखा देंगे यहाँ पे सिर्फ 2 पैनल मिलते हैं। एक आपको एक्सेलरेशन के लिए मिलता है, एक आपको ब्रेक के लिए मिलता है, और ये आपको मिलता है फुटरेस्ट के लिए। साथ ही अगर बात करूं इसके रूफ़ लाइटिंग की तो आपको यहाँ पर ऐसा रूफ लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो माइक है उसकी प्लेसमेंट भी मिल जाती है। साथ में अगर डोर्स की बात करें तो डोर्स में आपको यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे आपको इसके जो ट्विटर्स हैं ये इसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। प्लस नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से दी हुई है, और आपको चारों डोर्स में इसके जो स्पीकर की प्लेसमेंट है ये आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अब रियर सीट की तरफ और देखते हैं कि रियर सीट्स में हमें क्या क्या मिल जाती है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको दिखा दूं भाई, यहाँ पे देखिए जो चीज़ मुझे दिखानी चाहिए थी वो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बात करूं तो इसके एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं। ये देखिए, तो रियर सीट्स भी आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की आपको फैब्रिक सीट्स यहाँ पर भी दी जाती हैं। भाई अभी नई नई गाड़ी है, बिल्कुल सील पैक्स लग रही है, तो सारी चीज़ें हम नहीं हटा के दिखाने वाले हैं आपको, बट आपको यहाँ पर किस तरह की सीट मिल रही है उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे बैठ करके लेग रूम दिखाऊँ आपको तो ये दिखा देता हूँ। और ये वाली जो फ्रंट ड्राइवर सीट है ये बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मैंने कर रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो स्विफ्ट में आपको इस तरह का स्पेस मिल जाता है। प्लस अगर आपको जैसे मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल जो फिर से आपको क्रोम में मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद पावर विंडो के बटन के साथ में। साथ में स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे है, एक बॉटल होल्डर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आराम से अगर आप पीछे की तरफ 2 या 3 इंसान भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं रहने वाली है। 2 जनों में अगर पीछे 2 ही जने बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस गाड़ी का रहने वाला है। तो अब आ जाते हैं इसके रियर में, और रियर में अब ये गाड़ी आपको कैसी कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं तो ये भी आपको अब दिखा देता हूँ। तो ये हमने इसका खोला, हमने इसका बूट, अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो पार्शल ट्रे दिखाई देगी, कुछ इस तरह की इसकी पार्शल ट्रे है। आप चाहें तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिमूव भी कर सकते हैं, प्लस आपको इसका बूट स्पेस भी मिल जाता है, क्योंकि बूट स्पेस में आपको मिलता है 268 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ठीक है। यहाँ पर अपने आप 2-3 छोटे छोटे बैग, एक बड़ा सूटकेस भी आराम से रख सकते हैं। और अगर इतने के बाद भी आपको संतुष्टि ना मिले, पैसेंजर कम हो, सामान ज़्यादा हो, तो आप इन सीट्स को भी आगे कर सकते हैं, यानी कि 60-40 रेशियो में ये सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। तो ये भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, पैसेंजर कम है, तो आप भी इनको यूज़ में ला सकते हैं, आराम से इनको आगे कर दीजिए और अपना जो लगेज है वो आराम से सेट कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत नहीं है तो इनको वापस ईजीली आप इनको खींच के ऐसे पीछे कर सकते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फंक्शन फीचर्स दिया हुआ है। आपकी पार्शल ट्रे अगर आप चाहें तो आप इसको दोबारा लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको रियर यहाँ से मिल जाता है। और अगर ऊपर की ही बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रूफ़ में जो मिलता है वो एंटेना की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। उसके साथ ये गाड़ी में आपको वैसे तो ये डुअल टोन है, ब्लैक रूफ़ के साथ आ रही है, इसकी लुक ही अलग है यार, बहुत प्यारी लुक आती है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाता है। उसके साथ आपको यहाँ पर रियर डीप फॉगर भी मिल जाता है, प्लस आपको रियर वाइपर और वॉशर, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारी कंप्लीट पैकेज आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, इस वेरिएंट में मिल जाता है। और अगर नीचे की बात करें तो इसके यहाँ पर जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो यहाँ पर आपको LED टाइप में मिल जाती हैं, स्विफ्ट की बैजिंग के साथ। और आपको यहाँ पर जो सुजुकी का लोगो है वो भी यहाँ पर प्लेस मिलता है। और अगर नीचे की बात करें तो बम्पर पर आपको यहाँ पर 4 सेंसर्स भी अवेलेबल हैं, 4 सेंसर्स भी मिल जाते हैं। प्लस
आपको जो यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, तो ये आप कैमरा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो इसके एक और नया फीचर भी ऐड किया गया है स्विफ्ट में, तो आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर आपको की सिंक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सपोज़ अगर मैं गाड़ी का इग्निशन पूरी तरह से बंद कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि जैसे इसका की कैसे वर्क करेगा। तो ये देखिए, जैसे मैं इसको गाड़ी को लॉक करूँगा, लॉक करते ही इसके जो मिरर्स हैं ये ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, तो ये भी नया फीचर आपको मिल जाएगा। प्लस अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करूं, उसके बाद अगर मैं इग्निशन दूं, तो ऑटो ओपन भी ये हो जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स अब आपको इस नई स्विफ्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी कोई भी इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप डायरेक्टली इसके लिए आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हम आए थे आज कनॉट प्लेस में कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल, जो कि मारुति सुजुकी अरीना शोरूम के नाम से फेमस है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।